देखो, हमने गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए हैं, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स. तो नाउ वी नीड टू रिलेट ऑल दिस वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस. कब टेम्परेचर प्रेशर रिलेट होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम कैसे रिलेट होते हैं, और आइडियल गैसेस वी हैव थ्री फोर डिफरेंट गैसेस लॉस, वो हमें डिटेल में देखना है, और फिर हम उसके थ्रू आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे. फर्स्ट वन बॉयल्स लॉ, इट इज डिफाइंड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. कुछ वेरिएबल्स को कॉन्स्टेंट रखा जाएगा और कुछ को चेंज किया जाएगा, सो दैट वी कैन डिटरमाइन देयर रिलेशन इफ वी आर चेंजिंग वन ऑफ देम एंड हाउ सेकंड इज चेंजिंग. सो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर inversely proportional to each other. Pressure and volume, they are inversely proportional to each other. Proportionality constant K आ गया यहां पर, K upon V. V को तुम multiply कर सकते हो. Pressure into volume is कॉन्स्टेंट. अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट का मीनिंग क्या होगा? लेट्स से वी हैव पिस्टन व्हिच इज फिटेड हियर इन पोजीशन वन. इसका कुछ वॉल्यूम इनिशियली प्रेशर है, तुम इसे कंप्रेस करोगे पोजीशन टू तक लेके आ जाओगे, फिर कंप्रेस करोगे पोजीशन थ्री तक लेके आ जाओगे. तो पोजीशन वन पर, पोजीशन टू पर, पोजीशन थ्री पर पी वन वी वन, पी टू वी टू, पी थ्री वी थ्री, ये सब सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे. क्लियर? एक मानसी बना था, एक मानसी परदेसी है. हु इज दिस थर्ड मानसी? थर्ड मानसी कौन सी है? मानसी शेवाली. अच्छा, तुमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्या? हाँ सर. ठीक, तो मानसी स्नेहल उन दोनों न्यू कैंडिडेट्स हो, और अभी ये जस्ट नया चैप्टर ही स्टार्ट हुआ है, तुम्हें मैक्सिमम चीजें यहाँ से समझ में आएंगी ना. कभी एज्यूम करके मत रखना कि पुराना नहीं पढ़ाई तो नहीं समझ आएगा.
चलो कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम इस बॉयल्स लॉ के लिए. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इफ यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम प्रेशर डिक्रीजेस इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग वॉल्यूम देन प्रेशर इंक्रीजेस. एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा. वी हैव सच काइंड ऑफ कर्व एंड दिस कर्व इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कर्व. एक्स इंटू वाई इज कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है. सेकेंड प्रेशर वर्सेस वन बाय वी. तो प्रेशर अलोंग वाई एक्सिस के कॉन्स्टेंट, होल वन बाय वी अलोंग एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू के एक्स. किसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू के एक्स? क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स? वाई इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो कुछ ये ग्राफ आएगा. प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. तुम प्रेशर चेंज करोगे वॉल्यूम कम होगा, बट पी इंटू वी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओरिजिनल लाइन. ठीक है, इस लाइन पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कॉन्स्टेंट आ रहा है. तुम एक बढ़ाओगे दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ाओगे पहला कम होगा. ये दो ग्राफ को एक ही में लिखा है, प्रेशर और वॉल्यूम कुछ भी एक लिख सकते हो ना तुम, दोनों नहीं है डेफिनेटली. क्या ये तीनों ग्राफ समझ में आते हैं सभी को? चलो ये ग्राफ ट्राई करो, लॉग पी वर्सेस लॉग बी ग्राफ. ये कैसे ड्रॉ करोगे? log p versus log v, हमारे पास जो रिलेशन था pv is constant. If we take log both the side, log pv equal to log k. इसे separate करो, log p plus log v equal to log k. अच्छा तुमने ये तो पढ़ा है ना पहले कहीं, equation of a straight line, parabola, hyperbola, मतलब basic दो तीन जो equations हैं. हुआ है नहीं हुआ है? Yes sir, हुआ है. Yes sir. ठीक है, log p को हमने लिया y एक्सिस के अलोंग, log v इज अलोंग x एक्सिस. उधर माइनस में ले जाओ, y इक्वल टू माइनस x और ये कुछ कांस्टेंट है. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप विद सम y इंटरसेप्ट. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप विद y इंटरसेप्ट. ठीक है, देखो ये जैसा P वर्सेस V ग्राफ हमने ड्रॉ किया था किसी एक टेम्परेचर T के लिए. नाउ लेट से दिस ग्राफ इज ड्रॉन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T1. मैं टेम्परेचर चेंज करता हूँ, ओवर टेम्परेचर चेंज करने पे ग्राफ T2 पे ऐसा कुछ शिफ्ट हो जाएगा, T3 पे ऐसा शिफ्ट हो जाएगा. तुम्हें ये बताना है T1, T2, T3 में कौन छोटा है कौन बड़ा है. यू नीड टू कंपेयर देम, विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर.
चलो इसमें पहला स्टेप का क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे लॉजिकली इसको सॉल्व करना है। जब भी कुछ ऐसा कंपैरिजन का है ना, इधर यू कैन ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ अभी, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वर्टिकल लेते तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा। सो इस प्रेशर पर फर्स्ट गैस का वॉल्यूम है वी वन, सेकेंड का लेट से वी टू और थर्ड का वी थ्री। किसका वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है V1, V2, V3 में? V3 ज्यादा है या V1 ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है अंकित? V3। V3 greater than V2, greater than V1। अब ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? When you are increasing the temperature, expansion takes place or compression takes place? क्या होगा? Compression। अरे? Expansion। ना टेम्परेचर बढ़ाओ तो expansion होगा ना? Expansion. तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा टेम्परेचर। इफ V3 greater than V2 greater than V1, then T3 should be greater than T2, should be greater than T1. Greater the volume means greater the temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा एक्सपेंशन, उतना ज्यादा वॉल्यूम। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम V3 का, इतना ज्यादा टेम्परेचर T3 रहा होगा। हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा, वो वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर कर दिया, ऐसे सॉल्व करना। Is that okay? Yes, sir. ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली बनते हैं यहाँ से, इसलिए इतना डिटेल में बताया गया। देखो इनिशियली ए में कुछ गैसेस थी, और ए में जो गैसेस थी उसका प्रेशर था 5 atm, वॉल्यूम था 7 लीटर। बी में इनिशियली वैक्यूम है, नथिंग इज प्रेजेंट इन बी इनिशियली। नाउ आफ्टर ओपनिंग द वॉल बिटवीन ए एंड बी, पहले वो कनेक्टेड थे बट उनके बीच में जो वॉल था वो क्लोज था, अभी मैंने उसे ओपन कर दिया। इफ यू आर अलाउइंग गैसेस टू मूव फ्रॉम ए टू बी, देन व्हाट वुड बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम? मतलब बी का फाइनल प्रेशर कितना होगा? फाइंड द प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल बिटवीन ए एंड बी। सी कांस्टेंट दे रखा है, हिंट है इस क्वेश्चन के लिए, बॉयल्स लॉ। If you get the answer, you can type in chat box.
चलो कुछ लोगों का आंसर आया है। P1V1 इक्वल टू P2V2, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर वॉल्यूम। इनिशियल प्रेशर 5 atm, इनिशियल वॉल्यूम 7 liter, फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम 7 + 14। आंसर आएगा 5/3 atm, 1.67 atm, इट इज नॉट 2.5 atm। इसमें बहुत कॉमन सा मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, वो मिस्टेक ये है, फाइनल वॉल्यूम ले लेते हैं 14 liter। देखो पता है गैस का मोमेंट ए से बी पर होगा, बट वो सिर्फ तब तक होगा जब तक इन दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। ऐसा तो नहीं हम वॉल्व ओपन करेंगे सारी की सारी गैसेस बी में चले जाएगी और ए में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मोमेंट विल बी देयर टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल, तो फाइनली गैसेस विल बी प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, तो फाइनल प्रेशर ऑफ द होल सिस्टम एंड द फाइनल वॉल्यूम 7 + 14, दोनों में गैसेस प्रेजेंट होंगी। इज दैट ओके? तो फाइनल प्रेशर जो आएगा पूरे सिस्टम का एक होगा, जब भी हम दो या से ज्यादा वेसल को कनेक्ट करते हैं द नेट मूवमेंट ऑफ गैस विल बी देयर टिल द प्रेशर बिकम्स इक्वल। ये लिखा भी देता हूं मैं नोट करके, पहले तो क्वेश्चन मतलब कॉपी कर लो उसका सॉल्यूशन जो भी है। नेट मूवमेंट ऑफ गैसेस विल बी देयर टिल द प्रेशर ऑफ कनेक्टिंग वेसल्स बिकम्स इक्वल। तो हमेशा कनेक्टिंग वेसल्स का प्रेशर एट द एंड इक्वल होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि गैसेस यहाँ पे ज्यादा मूव कर गई, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर, यहाँ पे कम प्रेशर। मूवमेंट होता ही इसलिए कि प्रेशर डिफरेंस हो, जहां प्रेशर इक्वल हो गया मूवमेंट नेट मूवमेंट बंद हो जाएगा।
volume is directly proportional to temperature. V equal to kT, k is proportionality constant, V by T is k constant. जैसे हमने P1, V1, P2, V2 किया था, इसमें आएगा V1 by T1 equal to V2 by T2 equal to V3 by T3 and so on. और हमें समझ में भी आता है, तुम किसी भी एक सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा. टेम्परेचर इन केल्विन के प्रोपोर्शनल. And if you want to relate volume and temperature in degree Celsius, small t temperature in degree Celsius, volume at t plus 1 degree Celsius equal to volume at t degree Celsius. So, if we have 1 degree Celsius to volume ko change kiya hai, the increase in volume will be volume at 0 degree on 273.15. So, for each degree rise in temperature, 40 se 41 pe gaye, volume itna bada. 30 se 31 pe gaye, volume itna bada. So, 1 degree Celsius ke liye change in volume mein, increase in volume. अब हम रिलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक डिग्री एंड वॉल्यूमेट्रिक 0 डिग्री को. सो 0 से टी पर आने में टी डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ है टेंपरेचर का. क्लियर? सो 1 डिग्री के लिए चेंज था v0 273.15 और टी डिग्री इनटू टी कर दिया. इसको ऐसे इंटरप्रेट करो, लेट्स से 0 से 15 पे जा रहे हैं, 15 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम फॉर 1 डिग्री सेल्सियस इनटू 15. इज दैट ओके? केल्विन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट डिग्री सेल्सियस में इंक्रीज तो अभी भी हो रहा है, बट प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्ट नहीं आ रही है. ऐसा कुछ रिलेशन होता है. जनरली हम केल्विन वाला ही यूज करते हैं. चलो एक ग्राफ ट्राई करो चारों. टेक योर टाइम, रिलेशन तुम्हारे सामने है.
सर आपका माइक म्यूट है. सेकंड ग्राफ रिलेशन है VT इक्वल टू V0 अपॉन V0 प्लस अपॉन 273.15 इनटू T. VT को लिया y एक्सिस के अलोंग, टेम्परेचर इन केल्विन डिग्री सेल्सियस अलोंग x एक्सिस, y m x प्लस c. स्ट्रेट लाइन व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है V0. ये x एक्सिस को कहां पर टच करेगी, -273.15 पर. इसको -273.15 रखो, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी नॉट प्लस वी नॉट जीरो आ जाएगा. एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू जीरो आना भी चाहिए. क्लियर? ऐसा कुछ ग्राफ आएगा. दोनों ग्राफ सेम है, सिर्फ ये ओरिजिन से पास होगा और ये यहां से पास होगा डिग्री सेल्सियस वाला. वी बाय टी इज कॉन्स्टेंट, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, बट वी बाय टी कॉन्स्टेंट रहेगा. लॉग वी वर्सेस लॉग टी, तो वी इक्वल टू के टी, लॉग ले लो, log v log t plus log k. y axis के along, x axis के along, y equal to x plus c. y intercept log k आ जाएगा. Is that okay? सुन लो एक मिनट, फिर कॉपी करना. बॉयल चार्ल्स लॉ एंड गेलुसेक्स लॉ, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर इंटरचेंज हो जाएंगे. वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट. एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन. वहां पे पी कॉन्स्टेंट था, वी प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे पी प्रोपोर्शनल आ रहा है, वी कॉन्स्टेंट. पी इज प्रोपोर्शनल टू टी, पी इक्वल टू के टी, सेम रिलेशन है सारे. डिग्री सेल्सियस वाला भी रिलेशन सेम है, सिर्फ प्रेशर की जगह वॉल्यूम और वॉल्यूम की जगह प्रेशर हुआ है. क्लियर? ऑल रिलेशंस आर सेम, इसलिए मैं इसके ग्राफ अलग से फिर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं. सिमिलर वे में इसके ग्राफ भी आ जाएंगे.
होना भी चाहिए, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर कुकर का उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा उसमें, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है प्रेशर कुकर का, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द प्रेशर। ये आई डोंट नो अटेंडेंस क्यों इतनी कम होती जा रही है, 27 से 21 स्टूडेंट्स आ गए, मैं जितने ही बच्चे जा रहे हैं सबके घर पे कॉल करवाऊंगा। क्वेश्चन करने कुछ अभी प्रैक्टिस सेक्शन ए वन चलो ये क्वेश्चंस करने हैं अभी, एक्सरसाइज वन सेक्शन ए।
चलो किस क्वेश्चन में डाउट है? विच क्वेश्चन नीड टू बी डिस्कस? अनम्यूट करके क्वेश्चन नंबर बोलो तुम. नाइन क्वेश्चन डिस्कस करना है क्या? नाइन क्वेश्चन. अ प्री वेटेड वेसल वॉज फिल्ड विद ऑक्सीजन एट एनटीपी एंड वेटेड. इट वॉज देन इवेक्युएटेड फिल्ड विद SO2 एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर देन अगेन वेटेड. देखो यदि सेम टेम्परेचर प्रेशर पर वेट किया है दो गैसेस का सेम वॉल्यूम में, द नंबर ऑफ मोल्स विल बी रिमेन सेम. नाइन क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 दैट विल रिमेन सेम. क्लियर? सेम वॉल्यूम में सेम प्रेशर है तो नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे. अब हमें ये बताना है द वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी. SO2 का वेट ले लो WSO2, मोलार वेट 64, वेट बाय मोलार वेट, वेट ऑफ O2 अपॉन मोलार वेट 32. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाफ ऑफ SO2. नाइन क्वेश्चन. लॉजिक इज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मोल्स रिमेन सेम. वैसे इसका ये लॉजिक हमें पता होना चाहिए बट इसका मैथमेटिकल रिलेशन भी हम देखने वाले नेक्स्ट लेक्चर में कि उनमें रिलेशन क्या होता है. एनी अदर डाउट? सेवंथ राइट. सेवंथ में प्रेशर सेम दे रखा है, वॉल्यूम चेंज किया है और टेम्परेचर हमें पूछा गया है. सो चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन होगा. V1 by T1 equal to V2 by T2. At constant pressure, volume and temperature are proportional to each other. Volume पहला दे रखा है 100 ml. इसको लीटर में भी कन्वर्ट सकते हो, अदरवाइज मिलीलीटर भी ठीक है, दोनों तरफ मिलीलीटर ले लेना. बट टेम्परेचर को केल्विन में लेना कंपलसरी है. 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन. वॉल्यूम 80 ml, टेम्परेचर इन केल्विन आएगा T2. T2 के लिए सॉल्व करो, ये आ रहा है 240 केल्विन. राइट? एट रिजा 240 केल्विन. अब हमें सारे आंसर दे रखे हैं डिग्री सेल्सियस में, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 240 माइनस 273 कर दो, तो ये आएगा 33 डिग्री सेल्सियस. इज दैट ओके? सेवन क्वेश्चन. यस सर. सम नेगेटिव साइन आएगा. नेक्स्ट सेवन के बाद और कोई डाउट है? सेवन के बाद सर, चलो यदि इसमें तो हाँ बोलो. नहीं नहीं कौन सा? कौन सा क्वेश्चन सर? क्लियर हो गया वो डाउट? नहीं आवाज आ रही मुझे, क्या बोल रहे हो? ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो. और भी कुछ इसमें डाउट होगा तो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस कर लेंगे. होमवर्क अभी बहुत ज्यादा मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के बाद फिर ज्यादा होमवर्क रहेगा. ठीक है, चलो जस्ट 1 मिनट मोर, मुझे अटेंडेंस लेना है, उसके बाद तुम जा पाओगे. MB, today date is 15th December. Amrita Pawar? Present, sir. Ankit Atha? Present, sir. Darshita? Present, Disha? Sir. Present, sir. दिशा? दिशा थी तो सही, कहां चले गई? हर्षल? काजल? कृष्णा? प्रेजेंट सर. कुमुद? महक? प्रेजेंट सर. मानसी? प्रेजेंट सर.
निकुंज, पूजा, प्रथमेश, प्रतीक्षा, राज, ऋषिका पांडे, साक्षी, प्रेजेंट सर, सलोनी, संस्कृति, श्रीनिवास, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, शुभम, स्नेहा, तन्मय, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट, यश एंड यशवर्धन, बाकी कुछ नए बच्चों का मेरे लिस्ट में भी नाम नहीं होगा। प्रेजेंट सर, यशवर्धन इज देयर ऑर नॉट? ठीक है चलो सर। मेजर टेस्ट सिलेबस क्या है सर? मेजर टेस्ट में क्या नाम? मेजर टेस्ट में जितना भी कवर हुआ है सब कुछ आएगा, एटॉमिक मोल और गैसेस जहां तक होगा वहां तक, एवरीथिंग कवर्ड टिल नाउ। सर वो वहां पे 300 कैसे लिए आपने वो एक्सप्लेन कीजिए ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी उस वक्त। 27 डिग्री सेल्सियस + 273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया है, 273 ऐड करके। ओके सर।